हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 4 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा देखो, मैंने आपको बताया था कि अन अकेडमी पे जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज पहला सेशन है वो अपडेट किया गया है। फिर एक एक करके आगे जो हमारे सारे लेसन्स हैं, आई थिंक लगभग 10 से 12 क्लास हैं, वो अपलोड वहाँ पे की जाएंगी। एक सेशन है वो अबाउट 1 से 1 घंटे से लेके 1.25 घंटे की समथिंग की क्लास है वो रहेगी। तो 10 12 क्लासेस हैं वो टोटल यहाँ पे कवर की जाएंगी, जिसमें टोटल जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको कवर किया जा रहा है। और इसी के साथ ही क्वेश्चंस वगैरह हैं डेली, वो भी वहाँ पे अपडेट किए जा रहे हैं। और बाकी जो उनके आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है वो आपको वहाँ बताया जा रहा है, और बाकायदा आगे डिस्कशन भी की जा रही है। तो अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्यूरी वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट जो अनअकैडमी है इसके ऊपर कोई भी अगर प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो देवेंद्र सिंह 27 जो रेफरल कोड है इसको आप यहाँ पे यूज है वो कर सकते हो। इससे आपको 10% डिस्काउंट है वो वहाँ पे मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो हमारी न्यूज़ आई है वही है काटसा के बारे में। काटसा का मतलब है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेंसन एक्ट। क्या सीन है, कंटेक्स्ट क्या है? देखो, बेसिकली बात ऐसी है कि यूएसए ने इंडिया को वार्न किया है कि देखो भाई, आप रसिया से जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हो ना, इसकी वजह से आपके ऊपर काटसा एक्ट के तहत जो सेंक्शन है वो लगाए जा सकते हैं। ये आया है कंटेक्स्ट और न्यूज। अब हम ये देखते हैं काटसा है क्या। देखो, काटसा बेसिकली अमेरिका का एक एक्ट है, और इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि यूएसए की जो इनिमी कंट्री है, जैसे कि हम बात करें ईरान हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ और रसिया, कि इन तीन कंट्री के साथ कोई भी कंट्री अगर रिलेशन रखेगी, डिफेंस रिलेशन की बात मेनली यहाँ पे की जा रही है कि कोई भी डिफेंस या इंटेलिजेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी रिलेशन रखे जाएंगी, उस कंडीशन में यूएसए उस कंट्री पे सेंक्शन लगा देगा। जैसा कि इंडिया, आपको पता है कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, वो बेसिकली इंडिया रसिया से अडोप्ट है वो कर रहा है, यहाँ से खरीद रहा है। तो ये बात यूएसए को अच्छी नहीं लग रहा है, इसलिए यूएसए कह रहा है कि भाई हम आपके ऊपर इस एक्ट के तहत सेंक्शन लगा देंगे हमारी तरफ से। तो ये अभी न्यूज यहाँ पे आई है। तो एक बार लगे हाथ में देख लेते हैं कि S-400 सिस्टम क्या है। देखो, तो यह एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसका पुराना जो वर्जन था उसका नाम था S-300। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये इंडिया वो रसिया से अडोप्ट कर रहा है, तो इंडिया ने प्लान किया कि भाई हम इसको रसिया से खरीदने वाले हैं, जो कि काफी एडवांस फॉर्म है। और इसमें होता क्या है, सरफेस से स्काई के अंदर जो मिसाइल है वो लॉन्च की जाती है, और जो इनिमी का एयरक्राफ्ट वगैरह कुछ भी मिसाइल्स वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, मोस्ट एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये आप ध्यान रखना, रसिया का मोस्ट एडवांस लॉन्ग रेंज मतलब काफ़ी लंबी रेंज है, लगभग 380 किलोमीटर तक की रेंज में कोई भी जैसे बॉम्बर हो, जेट हो, मिसाइल हो, ड्रोन वगैरह हो, इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट है वो किया जा सकता है S-400 डिफेंस सिस्टम के द्वारा। अब बात ऐसी कि इंडिया ने इसे क्यों ही चूज किया। देखो, इंडिया ने चूज इसे इसलिए किया क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को लेटेस्ट जो वेपन्स है इनकी जरूरत थी, और एक तरीके से काफी अच्छी कैपेबिलिटी अगर इंडिया को अडोप्ट करनी है तो एडवांस इक्विपमेंट होने की काफी जरूरत है। इसी के साथ हम जानते हैं कि हमारी जो नेबरिंग पड़ोसी देश हैं उनका बिहेव अच्छा नहीं है, वो अच्छे रवैया नहीं अपनाते, वहाँ से काफ़ी खतरा है, इंडिया को थ्रेट्स हैं वो रहते हैं, इसीलिए उनको काउंटर करने के लिए इंडिया ने सिस्टम को अडॉप्ट है वो किया है। पाकिस्तान है, देखो उसके पास काफ़ी सारे डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि वेपन्स है। एक तो उनके पास एक F-16 है जो उनका बाय फाइटर प्लेन है, इसी के साथ ही उनके साथ J-17 है, और चाइना के पास भी काफ़ी सारे वेपन्स हैं। तो इन सबको अगर काउंटर करना है तो इंडिया के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ आई है वो आई है सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक्स को लेकर। पहली बात यह आई है कि भाई सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक क्या है। देखो, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक का मतलब यह है कि वो प्लास्टिक जो एक टाइम यूजेबल होता है, जैसे कि हम मार्केट में जहीं भी चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ भी स्नैक्स वगैरह खाते हैं, तो उस दौरान जो हम प्लेट्स डिस्पोजल वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि एक बार यूज़ करते हैं फिर उनको हम फेंक देते हैं, तो उस टाइप के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को कहते हैं सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। जैसे पानी की बोतल हमने मार्केट से खरीदी फिर उसको पिया, बाहर फेंक दिया, तो वो टाइप की चीज़ हो गई है सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। अब बात ऐसी है, इंडिया है ना, हर दिन लगभग 25,940 टन, छोटी मात्रा नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा है। इंडिया डेली 25,940 टन प्लास्टिक वेस्ट है वो जनरेट करता है। अब आप देखिए कि कितना बड़ा एक तरीके से इंडिया ग्लोबल वार्मिंग, या बोल सकते हो कि प्लास्टिक जनरेट कर रहा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम बात करें
तो जो 40% जो प्लास्टिक वेस्ट है ना, वो काफी ज्यादा एक साल में इंडिया है वो कलेक्ट कर रहा है। तो मतलब एक तरीके से आप सामने देख सकते हो कि इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट है वो कर रहा है, और इतनी मात्रा में इसको रिसाइकिल नहीं किया जाता है। जितना इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है वेस्ट, उसके बहुत कम मात्रा में उसको वापस से रिसाइकिल किया जा रहा है। मतलब ये प्लास्टिक वेस्ट है वो महासागरों में चला जाता है, हमारी अर्थ के अंदर हम दबा देते हैं, तो ये हमारी अर्थ को भी बंजर बनाता है, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पाता है, और मरीन प्रोडक्ट या मरीन मरीन बायोडाइवर्सिटी को भी काफ़ी नुकसान ही पहुँचाता है। इसीलिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो सामने आ रही हैं लगातार, और ऐसे में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप उठा रही है। तो जैसा अभी हम जानते हैं कि भी महात्मा गांधी जी की जो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 2 अक्टूबर को, उसी मौके पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मासिव कैंपेन स्टार्ट किया है कि भाई जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, डिस्पोजल आइटम है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, इनको धीरे धीरे करके हम एलिमिनेट करने वाले हैं हमारे सिस्टम से, या हमारे आप बोल सकते हो कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी हमारी इकोनॉमी है, इन चीज़ों को हम हटाएंगे। इसी के लिए प्रावधान किया है कि जैसे पॉलीथीन बैग हो गया, प्लास्टिक की जो ड्रिंकिंग बोतल हो गई, प्लास्टिक बोतल कैप हो गया, जो फूड का जो रेपर होता है वो हो गया, प्लास्टिक के आगे हम बात करें जो रेपर्स हो गए हैं, स्ट्रो वगैरह होगी, जो स्पून वगैरह होती है डिस्पोजल वाली, प्लास्टिक प्लेट कप्स, ऐसे आइटम है इनको एक एक करके बैन है वो किया जा रहा है। तो अभी काफ़ी सारे एरिया में बैन कर दिया गया है, जैसे अभी दिल्ली मेट्रो में भी प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है कि आप पॉली बैग वगैरह है वो दिल्ली मेट्रो में कैरी नहीं कर सकते। तो ये हमारे देश में प्लास्टिक के प्रति एक काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई गई है, जिसको आप लोगों को भी सपोर्ट है वो करना चाहिए। अब देखो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ये भी ये कह रहा है कि भाई जो प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि देखो जो कागज़ वगैरह होता है ना, ये तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, बट जो प्लास्टिक होता है ना, वो हमारे एक बार आप बोल सकते हो कि अर्थ साइकिल में एंट्री कर लेता है तो बहुत लंबे टाइम तक ये गलता ही नहीं है, लगभग इसको हजारों साल लग जाती हैं वापस गलने में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम आप बोल सकते हो कि बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, वहाँ पे बहुत बड़ा एक मेजर जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कारक है वो बन जाता है। इसीलिए सिंगल यूज जो प्लास्टिक को बैन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम को लेके। देखो यह जो स्कीम है ना, वो बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्कीम है वो लाई गई थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसको वैसे 2016 में इंट्रोड्यूस है वो क्या कहता। तो 2016 में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे 2011 वाले को अपडेट करके, उनमें फोकस ये किया गया था कि भाई जो प्रोड्यूसर प्लास्टिक को जनरेट कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल ले लो कि हम लेज के पैकेट से जो लेज खाते हैं, तो वो लेज कंपनी की जिम्मेदारी है कि भाई उस प्लास्टिक को वो वापस से कलेक्ट करें और उसको डिकम्पोज या उसको एक तरीके से मतलब ठिकाने हैं वो लगाए, ताकि वो इन्वायरमेंट में ना घूमे ऐसे वेस्ट के तौर पर। इसको बोला गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम। एक्सटेंडेड मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक को, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप उस प्लास्टिक को सही जगह है या उसका सही तरीके से उसको डिकम्पोज है, सही तरीके से उसका सोल्यूशन सही निपटारा है, रिसाइकिल वगैरह करना है। ये है प्लास्टिक का ले नई एक इनिशिएटिव। अब देखो बात ऐसी है, गवर्नमेंट ने छोटे छोटे कैंपेन भी चलाए हैं, जैसे एक है स्वच्छता ही सेवा इंडिया प्लोग रन। प्लोग रन क्या होता है? प्लोग रन का देखो आप सीधा मतलब ऐसे समझ सकते हो, वैसे कि कैंपेन चलाया गया था कहाँ पे, ये कैंपेन चलाया गया था स्वीडन में। इस कैंपेन को वैसे प्लोगिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस कैंपेन का मतलब ये है कि भाई जैसे लोग सुबह जॉगिंग करते हैं ना, तो जॉगिंग करते टाइम जो उनको आसपास रास्ते में जहाँ भी कहीं प्लास्टिक वेस्ट दिख रहा है उसको वो इकट्ठा करें। देखो बाकायदा लिखा हुआ है कि जो भी ऐसा प्लास्टिक वेस्ट आपको दिख रहा है जॉगिंग करते टाइम, उसको आपको इकट्ठा है वो करना है। तो यह एक मुहिम चलाई गई थी स्वीडन के द्वारा, तो इंडिया भी इसी तरीके की मुहिम इंडिया में चला रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो उसी को लेकर न्यूज़ भी यहाँ पे एक ऐड है वो की गई है, तो आप इसका यूज है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है होमेज टू महात्मा, यंग स्टूडेंट क्रिएट टू गिनीज बुक रिकॉर्ड। क्या है? देखो महात्मा गांधी जी को उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की गई है 2 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड तैयार करके इंडिया के द्वारा। क्या है? दिल्ली एनसीआर के एरिया में बच्चों ने एक रिकॉर्ड है वो बनाया है, दो रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो बनाया है कि जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल लेसन्स हैं वो क्रिएट करके लगभग 5,000 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और एक सस्टेनेबल लेसन है वो क्रिएट किया है इन्वायरमेंट को अवेयर करने के लिए, सस्टेनेबल लेसन्स के लिए। इसी के साथ एक रिकॉर्ड ये बनाया है कि जो सोलर लैंप्स हैं इनकी हेल्प से काफ़ी लंबी एक श्रृंखला सीरीज है, असेंबली है, वो क्रिएट की गई है। तो दो ऐसे रिकॉर्ड बनाए गए हैं जो कि महात्मा गांधी को क्लीन एनर्जी प्रमोट करने के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर अर्पित किए गए हैं।
नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है विलेज सेक्रेटेरिएट सिस्टम के बारे में। देखो विलेज सेक्रेटेरिएट जो सिस्टम है ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च है, वो भी किया गया है क्या इसमें, इस स्कीम में या इस सिस्टम का ये रखा गया है मोटो कि भाई हर विलेज सेक्रेटेरिएट है वो बने, मतलब हर जगह विलेज सेक्रेटेरिएट बनाई जाएगी। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि वो एरिया जहाँ पे 2000 की पॉपुलेशन या 2000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन होगी वहाँ पे एक विलेज सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। और ये विलेज सेक्रेटेरिएट क्या करेगा, वहाँ के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पुलिस हो गई, रिवेन्यू, इन सबको लिंक करेगा। और लिंक करके क्या करना है इसका, इसका काम ये है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो ग्राउंड तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, सही ढंग से काम करे नहीं करी, इसके ऊपर फोकस करेगा। और अगर नहीं पहुंच रही हैं तो जो गवर्नमेंट की डिफरेंट सर्विस हैं, लगभग 500 टाइप की जो अलग अलग सर्विस चलाई गई हैं गवर्नमेंट की, उनको डोर स्टेप के तहत डिलीवर है वो किया जाएगा कि आम लोगों तक उसकी पहुँच हो सके। तो 2000 के जो लोगों की पॉपुलेशन है वहाँ पे एक सेक्रेटरी बनाया जाएगा। इस सेक्रेटरीट की जिम्मेदारी होगी कि कौन कौन से घर तो गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पहुँच पा रही है, कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से नई स्कीम जा रही है, तो उन सबको आइडेंटिफाई करके उन स्कीम का बेनिफिट आम लोगों तक पहुँचाया जाएगा। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम का मोटो रखा गया था कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमें बनाना है गाँव में, उसी को सुदृढ़ करने के लिए है एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विलेज सेक्रेटेरिएट सिस्टम के तौर पे। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि पंचायती राज सिस्टम का एक एक्सटेंशन रखा गया है ताकि इसको और ज्यादा स्ट्रेंथ है, और ज्यादा ताकत दी जा सके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मो सरकार इनिशिएटिव के बारे में। देखो मो सरकार इनिशिएटिव कैंपेन है वो बेसिकली उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है अभी गांधी जयंती के मौके पे। क्या है यह इनिशिएटिव वो हम देखते हैं। देखो मो सरकार इनिशिएटिव है ये बेसिकली उड़ीसा के जो सभी पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ के जो 21 डिस्ट्रिक्ट हैं, हेडक्वार्टर पुलिस हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में इसको कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। जो गवर्नमेंट के मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उन सब में है क्या इसका, इसका देखो ओवरऑल टारगेट ये रखा गया है कि भाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, उनके साथ किस तरीके से उनको फिर जो सपोर्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, कैसे गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, इन सब के बारे में एक तरीके से एक रिव्यू है वो लिया जाएगा। तो थोड़ा हम देखते हैं कि मो सरकार इनिशिएटिव कैसे काम करने वाला है। इसमें होगा क्या, जैसे मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट का वहाँ पे हॉस्पिटल है या पुलिस स्टेशन है, वहाँ कोई भी पर्सन गया कंप्लेन वगैरह करवाने हो, पुलिस स्टेशन मान लो कि कंप्लेन के लिए गया, अब पुलिस वाले जो पर्सन हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में वो किसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह का बिहेव वगैरह कर रहे हैं, इन सबको आइडेंटिफाई यहाँ पे किया जाएगा कि पुलिस फ्रेंडली बिहेव रख रही है नहीं रख रही, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं वो कैसे पेशेंट के साथ बिहेव रख रहे हैं, ये सब चेक किया जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि काम सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, तो देखो ये प्रावधान किया गया है कि जैसे सरकारी पुलिस स्टेशन हो या फिर सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो भी आदमी विजिट करने आएगा, जो भी लोग विजिट करने आ रहे हैं वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, उनके मोबाइल नंबर रेंडमली कलेक्ट किया जाएंगे वहाँ पे, और फिर वो जो मोबाइल नंबर हैं उनको बेसिकली जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो उनको रेंडमली चेक करेंगे, मतलब रेंडमली उनको फ़ोन करेंगे। जैसे मान लो कि एक स्टेशन पे दिन में 10 मोबाइल नंबर हैं वो सेव किए गए हैं, स्टोर किए हैं, तो उसमें से रेंडमली उनको किसी को फ़ोन किया जाएगा और उनको पूछा जाएगा कि भाई आपको सर्विस कैसे मिली है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ, इस तरीके से उनका प्रॉपर फीडबैक है वो लिया जाएगा। अब अगर हम बात करें पुलिस स्टेशन है तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर या डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर्स हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो फ़ोन करके पता करेंगी, या फिर हम बात करें से हेल्थ सेक्टर है मतलब मेडिकल हॉस्पिटल का मामला है तो जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर जो हो गए सेक्रेटरी हो गए वहाँ के डायरेक्टर हैं वो बेसिकली रेंडमली कॉल करके पता करेंगे कि भाई आपको फैसिलिटी कैसी मिली है, क्या प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन हुआ नहीं हुआ। तो इसी के तर्ज पे जो वहाँ पे वर्कर थे, यानी कि पुलिस स्टेशन में जो वर्कर काम कर रहे थे या हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स वर्कर काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से वो जो पेशेंट के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उनका बिहेव वगैरह है, और कैसे वो और ज़्यादा आगे एंगेज हो सकते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को देख के आगे फिर उनको प्रमोशन वगैरह में प्रमोट है वो किया जाएगा। मतलब जिसने अच्छा काम किया उसको प्रमोशन दिया जाएगा, अदरवाइज फिर आगे उनको प्रमोशन या बेड रैंक वगैरह उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यह एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।